नमस्ते दोस्तों। तो आज हम दाल ढोकली बनाने वाले हैं, वो भी फीकी वाली दाल ढोकली। इसमें मैंने मसाला कुछ यूज़ नहीं किया है, तो ये बारिश के मौसम में ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ासकर डिनर के वक्त। ये मैंने तुअर की दाल ली है 1 कटोरा, और 1 कटोरा मूंग दाल ली है। पहले ये मूंग दाल लीजिए और तुअर की दाल लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है और ये थोड़ा सा हींग और जीरा डाली है और इसमें पानी डाली है। अभी ये मैं कुकर में लगा कर लेने वाली हूँ, 3 सीटी लगा कर लेंगे हम। जब तक ये कुकर की 3 सीटियाँ हो जाती है, तब तक हम आटा गूंद कर लेने वाले हैं। ये मैंने गेहूं का आटा गूंद कर लिया है। अब हम इसके छोटी छोटी लोई बनाएंगे और इसकी ढोकली बनाकर लेने वाले हैं। ऐसी एक बड़ी लोई बनाकर ले लीजिए और इसको अच्छी तरह बेल कर ले लीजिए। ये मैंने सर्कल बेल लिया है। अब इसको कोई भी आप शेप दे सकती हो ढोकली बनाने के लिए। तो मैं ये राउंड शेप देने वाली हूँ और ऐसे राउंड राउंड कट करके लीजिए। अभी मैं बाकी सारी भी बेल कर लेने वाली हूँ। ये मेरी सारी ढोकली अभी बेल कर हो गई है। अब हम दाल बनाएंगे। ये हमारी दाल हो गई है। अब हम दाल बना कर लेने वाले हैं। एक पतीला ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा ही तेल डालिए दाल बनाने के लिए, क्योंकि हम ये दाल ढोकली बना रहे हैं तो ये हेल्दी है, इसलिए थोड़ा सा तेल लीजिए। इसमें पहले जीरा जाएगा, फिर ये सरसों, और फिर ये हींग डालिए थोड़ा सा, और फिर इसमें खूब सारा लहसुन जाएगा। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालिए, फिर इसमें थोड़ी हल्दी डालिए। ये अच्छी तरह भून कर ले लीजिए लहसुन को। ये हम फीकी दाल बना रहे हैं, इसलिए इसमें कोई बाकी के मसाले नहीं जाएंगे। फिर हम इसमें ये दाल डालेंगे और फिर इसमें थोड़ा गर्म पानी डालिए। जितनी आपको क्वांटिटी बनानी है दाल ढोकले की, उतना डालिए, ज़्यादा पतला भी मत बनाइए। ये पानी डालने के बाद इसमें धनिया के पत्ते डालिए और थोड़ा सा नमक, और जब तक इसे एक उबाल आ जाता है तभी हम इसमें ये वो ढोकली डालने वाले हैं। अभी इसको एक उबाल आ गया है तो हम इसमें ये दाल ढोकली डालेंगे। ये जब तक अभी पक कर ऊपर नहीं आ जाता और इसका कच्चापन दूर नहीं होता, तब तक हम इसे पकने देने वाले हैं। आप देख सकते हो ये ढोकली पक कर ऊपर आ गई है। इसका मतलब है हमारी दाल ढोकली अच्छी तरह बन गई है। ये दाल ढोकली की रेसिपी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए और मुझे फीडबैक दीजिए। ये आप किसी भी अचार के साथ खा सकते हो और पापड़ के साथ भी खा सकते हो, और ये रात के खाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसे लगी दाल ढोकली।